हालेलुया सबको परमेश्वर आशीष दे आइए हम प्रभु का वचन से कायद पढ़ेंगे लूका की इंजिल लूका के इंजिल दूसरी अध्याय तो उसका 10 और 11 में आए तब स्वर्ग दूत ने उनसे कहा मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा स्वर्ग पिता हम धन्यवाद देते हैं तेरा पवित्र उपस्थिति के लिए तेरा पवित्र वचन से हम सुनने जा रहा है पवित्र आत्मा को मदद करो इधर बैठा हुआ एक एक जीवन में ये परमेश्वर का वचन एक सामर्थ के रूप में कार्य करे सबको तेरे हजूरी में खामोशी के साथ बिठा दे यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं आमीन सबको ये आयत अच्छी तरह मालूम है हमारे खुदावंद पर यीशु मसीह का जन्म का समय में स्वर्ग दूतों ने कहा हुआ एक बात है जो आज मैं यहां पर पढ़ा है कल क्रिसमस है तो आज 24th है पूरा दुनिया में क्रिसमस मनाते हैं खुशी मनाते हैं लेकिन कुछ खास बात इस क्रिसमस का सीजन में मैं आपको बोलने के लिए चाहते हैं शायद कुछ बातों में आप मेरे साथ एग्री नहीं होगा कोई बात नहीं लेकिन जब तक मैं जिंदा है सच्चाई तो बोलना है हालेलुया क्रिसमस के बारे में कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है मिसअंडरस्टैंडिंग का क्या बोलते हैं गलत फहमी है क्रिसमस के बारे में बहुत लोगों के मन में गलत फहमी है बाइबल में यीशु मसीह का जन्म के बारे में बताते हैं यीशु मसीह के जिंदगी के बारे में यीशु मसीह के मौत के बारे में यीशु मसीह के जी उठना ये सब कुछ अति महत्व बात है यीशु मसीह का जन्म यीशु मसीह की जिंदगी यीशु मसीह का मौत यीशु मसीह का जी उठना यीशु मसीह का दूसरी आगमन ये सब कुछ बहुत महत्व बात है उससे हमने कलाम सुनना सीखना समझना बहुत जरूरी है लेकिन सच्चाई हमेशा सच्चाई है ये बात मैं चाहते हैं हमारे कलीसिया के लोग इस बात को समझे दिसंबर 25 तारीख यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है शायद आप हैरान हो जाएगा बाइबल में उनके लिए कोई सबूत नहीं है हिस्ट्री में भी कोई सबूत नहीं है दिसंबर 25 तारीख यीशु मसीह का जन्मदिन है साल में एक दिन नहीं क्रिसमस रोज हमारे लिए क्रिसमस है डेली यीशु मसीह हमारे अंदर जन्म होना है जैसे मैंने आपको बताया बाइबल में उनके लिए कोई डेट लिखा नहीं यीशु मसीह का जन्म सच्चाई है इतिहास है लेकिन उसका तारीख उसका डेट बाइबल में लिखा नहीं अगर गहराई से पढ़े मैं एक वेद विद्यार्थी हूं मैं सबूत कर सकता है दिसंबर में नहीं है यीशु मसीह का जन्म मैं उधर ही आगे बढ़ना नहीं चाहते जब हिस्ट्री देखते हैं एडी 354 में पहली बार यीशु मसीह का जन्म बनाना शुरू किया लेकिन एडी 14 सदी में मतलब यीशु मसीह के जन्म के बाद तकरीबन 400 साल के बाद दिसंबर 25 तारीख बनाना शुरू किया ये हिस्ट्री है मेरे पास सबूत है प्रूफ है आज भी बहुत जगह में जनवरी में क्रिसमस मनाते हैं अलग अलग डेट है अलग अलग देश में कुछ चर्चेस कुछ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस क्रिसमस मनाते ही नहीं एस्पेशली साउथ इंडिया में इवन हमारे आईपीसी चर्चेस में केरला में या अमेरिका में जहां भी हो ये
चर्च में भी क्रिसमस का एक छोटा प्रार्थना भी नहीं है, क्योंकि हम फॉर्मैलिटी को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। लेकिन यीशु मसीह का जन्म याद करना कोई गलत नहीं, यीशु मसीह का जन्म के बारे में प्रचार करना कोई गलत नहीं, वो जरूरी है, हमने सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए जब क्रिसमस का सीजन आता है, दिसंबर 25 तारीख सबका मन में क्रिसमस क्रिसमस है, उस समय यीशु मसीह के जन्म के बारे में प्रचार करना, समझाना कोई गलत नहीं है, कोई अच्छी बात है। लेकिन अन्य जातियों का, गैर कौमों का रीति रिवाज हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। जब भी हम क्रिसमस मनाते हैं, एक बात केयर करना, कोई भी सेलिब्रेशन हम करें उसमें गैर कौमों का बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इस बात को नफरत करते हैं। कुछ लोग कुछ दिन को बनाते, कुछ लोग कुछ दिन को बनाते, थोड़ा एक आयत पढ़े, रोमियों का पत्री 14 अध्याय उसका 5 और 6 आयत पढ़े, रोमियों का पत्री 14 अध्याय 5 और 6। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, कुछ लोग एक दिन से दूसरा दिन को बढ़कर मानते हैं, और कोई सब दिनों को एक समान मानता है, कुछ लोग सारे दिन को एक समान मानते हैं। आगे हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, वो अपना अपना मर्जी है, अपना अपना मर्जी है। आगे जो किसी दिन को मानता है, किसी दिन को मानते हैं वह प्रभु के लिए मानता है, प्रभु के लिए मानते हैं, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, आगे क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। सुनिए, चाहे हम कोई भी दिन किसके लिए भी बनाओ, मकसद एक होना चाहिए, क्या है, जोर से बोलिए, सारे लोग बोला नहीं, समझा नहीं, चाहे कुछ भी हो प्रभु को महिमा होना चाहिए। हम दिन को आराधना नहीं करते, नहीं करना, हालेलुया। दिसंबर 25 तारीख यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है, लेकिन 300 साल के बाद उस समय का कुछ क्रिश्चियन लीडर्स ने मिलकर एक दिन फिक्स किया, हाँ एक दिन हम क्रिसमस मना, उससे बढ़कर उनके लिए कोई आधार नहीं है। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, इसलिए क्रिसमस मनाने का पाप तो नहीं है, लेकिन सच्चाई क्यों हमने मालूम होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इस समय जो है हम क्या करते हैं, क्रिसमस के नाम पर होने से हम इन दिनों में आउटरीच यीशु मसीह के बारे में लोगों को बोलने का एक अच्छा समय है। हम उस समय को इस्तेमाल करते, कोई भी अपॉर्चुनिटी जो प्रभु का वचन बोलने के लिए, लोगों को प्रभु के बारे में बोलने के लिए मौका मिलेगा, हम कोई भी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। उस समय को प्रभु के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मेरा विश्वास है आप लोग गुस्सा नहीं करेंगे। हेलो, मैं जब आज से बहुत साल पहले मापट में सेवा शुरू किया था, मापट का लोग बोलते क्रिसमस मत, क्रिसमस, मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं बनाया। उसका कुछ बैकग्राउंड है और मैं आज आपको बोलना नहीं चाहते, वो हिस्ट्री है। लेकिन नया नया विश्वास में आया हुआ लोग मुझे एक सवाल पूछा, पास्टर जी हर साल हम क्रिसमस में कोई ना कोई चर्च जाते थे, इस बार हम जाए कहां, ये बताओ। मैंने बोला आपको बंदगी चाहिए वो तो फिर मैं दूंगा। तब से फिर मैं दिसंबर 25 तक बंदगी करते हैं, यीशु मसीह के जन्म के बारे में प्रचार करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। क्या है क्रिसमस, क्या है क्रिसमस, बहुत ध्यान से इस बात को समझ रहे, क्योंकि क्रिसमस के बारे में बोलने के लिए एक सीजन चाहिए, मुझे मौका मिले इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्या है क्रिसमस, क्या समझते हो, आपको पूछेगा तो आप बोलेंगे, सभी लोग बच्चों को आराम से बिठाना प्लीज। क्या है क्रिसमस, आपको पूछेगा तो आप बोलेंगे यीशु मसीह का जन्मदिन है, लेकिन उससे बढ़कर क्या है क्रिसमस, परमेश्वर, परमेश्वर का पदवी छोड़कर मनुष्य बना है, तो ये चीज ये असंभव की बात है। परमेश्वर कैसे मनुष्य बन सकता, नहीं बन सकता, लेकिन बना, इसलिए वो एक बड़ा चमत्कार, दुनिया का तमाम असंभव
मनाया हुआ एक इंसिडेंट है फर्स्ट क्रिसमस। यीशु मसीह का जन्म असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर का एक प्रोग्राम था। आपको मालूम है 1968 हिंदी में बोलिए 1968 में दिसंबर 24th आज का दिन 1968 में दिसंबर 24th में अमेरिका से कुछ साइंटिस्ट चंद्रमा में गए और चंद्रमा में जीप चला रहा था चंद्रमा के अंदर। उसका नाम है विलियम एंड्रूस, जिम लवेल, फ्रैंक बोर्मा। तीन साइंटिस्ट चंद्रमा में जीप चला रहा था। उसको मालूम हो गया आज 24th है। उनके पास बाइबिल था, जब चंद्रमा में गया हुआ लोग विश्वासी लोग था। उन्होंने अपना बाइबिल खोलकर उत्पत्ति के किताब पहली अध्याय चंद्रमा से पृथ्वी में पढ़कर सुनाया है। तो अमेरिका में कुछ नास्तिक लोगों ने उसके खिलाफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। हम परमेश्वर को नहीं मानते लेकिन चंद्रमा में लोग गया हुआ लोग देखो बाइबल पढ़कर सुना रहा है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर दिया उस केस को, बोलते जो सच्चाई है जो सच्चाई है। उसमें से एक व्यक्ति बाद में प्रचारक बना, चंद्रमा में गया हुआ उसमें से एक व्यक्ति प्रचारक बना। केरला में विश्व फेमस एक कन्वेंशन है, केरला में लाखों लोग जमा होते हैं, वहां वो प्रचार करने के लिए आया। चंद्रमा से लेके आया हुआ एक पत्र उन्होंने दिखाया, बोलते ये मैं चंद्रमा से लेके आया हुआ पत्र है। उन्होंने दिखाकर बोला मनुष्य चंद्रमा में कदम रखा, चला, गाड़ी चलाया, लेकिन उन्होंने बोला मेरे हिसाब से कोई चमत्कार नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन वो साइंटिस्ट ने बोला जिन्होंने चंद्रमा में चला उन्होंने बोला मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार ये है परमेश्वर मनुष्य का रूप लेके मनुष्य के बीच में चला है, वो सबसे बड़ा मिरेकल है। मैंने बोला वो अद्भुतों का अद्भुत है। उसका मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का महिमा छोड़कर इंसान के लिए इंसान के रूप लेके इस धरती में आकर हमारा समान बनकर हमारे बीच में चला है, यही दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल है। शायद हमारे दिमाग में आएगा क्या उनके जरूरत था या क्रिसमस का जरूरत था, परमेश्वर मनुष्य बनने के क्या जरूरत था, क्या परमेश्वर मनुष्य बनने के क्या जरूरत था। एक मनुष्य परमेश्वर नहीं बन सकता, मनुष्य परमेश्वर को देख नहीं सकता। कोई भी मजहब हो, चाहे क्रिश्चियन, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, सब लोग बोलते हैं मनुष्य अशुद्ध है। बीच में बात ना कीजिए, दूसरों को डिस्टर्ब ना कीजिए, इधर ध्यान से सुनिए। सभी मजहब बोलते हैं इंसान अशुद्ध है या पापी है, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य को परमेश्वर के साथ मिलाया, यही है क्रिसमस। आपको मालूम है मनुष्य का पाप को शुद्ध करना
करने के लिए परमेश्वर इंसान के रूप लेके इस धरती में आया। इसलिए परमेश्वर मनुष्य के रूप में मनुष्य को दर्शन दिया हुआ संभव है क्रिसमस। तो ध्यान से समझना, हम सिर्फ यीशु मसीह का जन्म जन्म बोलकर क्रिसमस को हल्का ना करें। जो क्रिसमस आप बोलते हैं, यीशु मसीह का जन्म बहुत बड़ी चीज है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसको मनुष्य देख ही नहीं सकता, वो परमेश्वर अपना जलाल से उतरा आपके लिए मेरे लिए हमारा समान बनकर हमारे बीच में आया, उसको क्रिसमस बोलते हैं। हालेलुया। इसलिए क्रिसमस जरूरत था। परमेश्वर इंसान के रूप लेना बहुत जरूरत था। लेकिन ये जो क्रिसमस है, कुछ संदेश हमको देते हैं। क्रिसमस में अंडा खाते हैं, मीट खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, केक ही काटते हैं, सारे कचरा है साइड करो। हालेलुया। तारा लगाते वो करते हैं करते हैं, हमारे बच्चे बाहर आकर डेकोरेशन करते हैं, मैंने बाहर जो मर्जी करो अंदर कुछ नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेट डेकोरेशन नहीं है, आत्मिक डेकोरेशन चाहिए, आत्मिक जलाल चर्च के अंदर होना चाहिए, असली जलाल हमारे जीवन में प्रकट होना। क्रिसमस हमको देने वाला कुछ मैसेज है, कुछ संदेश है। आपको मालूम है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, बहुत कुछ बात हुआ धरती में, बहुत कुछ बात हुआ। आपको पता है बात, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, एक अजीब सा तारा दिखाई दिया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, स्वर्गदूत गीत गाना शुरू कर दिया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, स्वर्गदूत बहुत लोगों के पास आकर बोला यीशु मसीह जन्म हो गया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, परमेश्वर ने अपना संदेश अलग अलग तरीका से लोगों का बताया। मैं बोलते हैं अमीर लोगों को भी गरीब लोगों को भी परमेश्वर बराबर समझा। साइंटिस्ट ज्ञानी लोगों के पास आया, वो अमीर लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। चरवाहा लोग गरीब लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। दोनों को दो तरीके से प्रभु ने अपना संदेश बताया यीशु मसीह के जन्म के बारे में। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, स्वर्ग से आसमान से बिजली चमक जलाल आया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, इस पृथ्वी का राजा लोग कांपना शुरू हो गया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, ये दुनिया का साइंटिस्ट ज्ञानी लोग बड़े लंबा सफर करके एक बार यीशु मसीह का चेहरा देखने के लिए लंबा सफर किया। बच्चा लेके बुजुर्ग तक लोगों को पता चला यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया। और एक दूसरे को अपना संदेश शेयर करना शुरू किया है। क्रिसमस हमको देने वाला कुछ मैसेज, कुछ संदेश आपके लिए मेरे लिए, वो मैं सिंपल तरीके से आपके सामने रखकर मेरा शब्द को मैं समाप्त करना चाहते हैं। जो आयत अभी हमने सबसे पहले पढ़ा है, उस आयत में वापस आइए। क्रिसमस हमको देने वाला संदेश क्या है, यीशु मसीह का जन्म हमको देने वाला संदेश क्या है, पढ़िए। तब स्वर्गदूत ने
उनसे कहा जब यीशु मसीह के जन्म के समय में स्वर्गदूत ने संदेश दिया क्या दिया बोलो मत डरो रुकना उधर रुकना क्या बोला मत डरो कौन सा बोलिए मत डरो स्वर्गदूत ने जो भेड़ बकरी को चलाने वाला चरवाहा लोगों से कहा मत डरो आज जब हम दुनिया में देखते हैं सभी मनुष्य के अंदर डर छाया हुआ है डरा हुआ है सब लोग आजकल ऐसे समय हैं कल मुझे पुलिस का फोन आया था पुलिस वालों ने मुझे पूछा पादरी साहब चर्च में कैमरा लगाया हुआ है मैंने बोले जी मैंने बोला क्या बात है कुछ बोला मैंने बोला मुझे कोई डर नहीं है आपको डर नहीं है लेकिन हमको तो डर है फिर मुझे पूछा कितना कैमरा लगाया हुआ है मुझे याद नहीं था कितना कैमरा लगाया हमारा बारे में दुनिया को डर है लेकिन हमको डर नहीं है हालेलुया एक पत्ता हिलेगा तो आज मनुष्य डरते हाय की हो गया पत्ता हिल गया आज लोग ऐसे डरा हुआ है दुनिया में क्या होने वाला है आप खुद सोचिए रात सोते वक्त मां बोलेंगे कुंडी अच्छी तरह डाला कुत्ता बोलेगा हे क्या हो गया एक अजीब सा डर इंसान के अंदर है लेकिन जब एक इंसान के अंदर यीशु मसीह के जन्म होते हैं वो भय दूर हो जाते हैं यही है क्रिसमस का मेन मैसेज मत डरो हालेलुया हालेलुया मुझे पता चला कुछ बोलते हैं क्रिसमस आ गया हमारे बच्चों के लिए नया कपड़ा नहीं है प्रभा नया कपड़ा नहीं है पुराना तो है ना क्रिसमस में आपका फिगर है आपका बच्चों को नया कपड़ा नहीं है मुझे भी नहीं है नया कपड़ा मैं भी पुराना डाला हुआ लेकिन संदेश आपके लिए डराना पूरा काज बताकर इस संदेश को आपके जीवन में स्वीकार कीजिए परमेश्वर कहते हैं आपका परिस्थिति चाहे कोई भी हो आपका सिचुएशन चाहे कोई भी हो मत डरो उत्पत्ति 3:10 में पढ़ते हैं डर जो है पाप की वजह से जब इंसान पाप किया इंसान के अंदर डर आना शुरू हो गया डर वहां से शुरू है आपको मालूम है एक समय ऐसे था जानवर इंसान से डरते थे आज इंसान जानवर से डरते हैं मेरे कुत्ता के ऊपर मैं प्यार से हाथ रखे सुना के पूछे मुझे डर रहा था मैं इसको प्यार कर रहा हूं वो मुझे डरा रहा है बदल गया लेकिन एक समय ऐसे था इंसान से जानवर डरते थे लेकिन एक व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह आत्मिक रूप में जब जन्म होते हैं उनके जिंदगी के ऊपर से भय की छाया दूर चले जाते हैं यीशु मसीह का जन्म हुआ स्वर्गदूत ने क्या कहा जोर से बोले बेटे वो आयत फिर मुझे जोर से पढ़कर सुनाओ तब स्वर्ग दूतों ने उससे कहा मत डरो तो क्रिसमस का पगले संदेश क्या है सारे मिलकर बोलिए एक दूसरे को हाथ देकर बोलो ऐसे लगो बहन जी मत डरो बाबा मत डरो बेटी रीनू को बोलो मत डरो जोर से ताली बजाकर भगवान करे
क्रिसमस का दूसरी संदेश वही आयत फिर पढ़ो। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। क्रिसमस का दूसरी क्या संदेश है? आनंद। बोलो जोर से, बोलो जोर से, बोलो गाली बजा कर बोलो। कल टीवी न्यूज में मैंने देखा क्रिसमस के समय में केरला में सारे पोली चौकस हो गए क्योंकि ड्रग्स आ रहा है क्रिसमस में और न्यू ईयर में नाइट क्लब जवान लोग नशा का पी के डांस करने का खतरा। हालेलुया। लेकिन सच्चा क्रिसमस में आनंद के लिए कोई नशा का जरूरत नहीं है। जब सच मुझ आपको पता चले यीशु मसीह आपके लिए जन्म हुआ है आपके जीवन में आनंद का लहरा शुरू हो जाता है। पाप का और एक रिजल्ट है अशांति या आनंद नहीं होना। आपको मालूम है इधर क्या लिखा है? एक बार उस आयत फिर बढ़िए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। इसके लिए सब लोगों के लिए, क्रिश्चियन के लिए सब लोगों के लिए, हैं सब लोगों के लिए, किसी चर्च के लिए सब लोगों के लिए, कृपा भवन वाले के लिए सब लोगों के लिए। हालेलुया। ऐसा बोलो ये हिंदू भाई लोग आपके लिए भी आनंद है। बोलो ये सिख भाई लोग आपके लिए भी आनंद है। ये मुस्लिम भाई लोग आपके लिए भी आनंद है। सारे जाति के लोग आपके लिए भी आनंद है। सारे मजहब के लोग आपके लिए भी आनंद है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह अमेरिका से आया है। अमेरिका वाले उनका परमेश्वर है। ये गलत है। अमेरिका वाला यीशु मसीह के बारे में सुनने से पहले इंडिया में यीशु मसीह का संदेश है। यीशु मसीह अमेरिका में नहीं, यूरोप में नहीं, यीशु मसीह का जन्म एशिया में हुआ है जहां हम रहते हो। बाइबल में अमेरिका के बारे में नहीं लिखा लेकिन बाइबल में इंडिया के बारे में लिखा है। हालेलुया। ए हिंदुस्तानी वालों, तुम्हारा से ज्यादा यीशु मसीह का रिश्ता इंडिया में है। इंडिया हमारा मातृ देश है, हमारा मम्मी की जगह है। इंडिया हमारा माँ है। जब तक बाप नहीं बुलाएगा तब तक हम अपना मौका घर में रहना है। बताने के लिए कोशिश ना करो। बड़ी आनंद बड़े आनंद सभी के लिए। क्या लिखा उधरी? क्या लिखा उधरी? सब लोगों के लिए। मैं आज पूछना चाहता है थोड़ा गहराई में जाकर देखे आज मनुष्य को कोई आनंद है नहीं, खुशी है नहीं। कल दो लोग मेरे पास आया, मैं उनका चेहरा देखा, बेटे आपको क्या हुआ? मैं ठीक हूं। मैंने आप ठीक ही नहीं है, एकदम आंख में पानी भर गया, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं है। मैंने कुछ ना कुछ तो है, आपके अंदर खुशी नहीं है, आपके अंदर आनंद नहीं है। फिर उन्होंने अपना इंसान अपना बात बताया, क्या करे संसार में रहते हैं। आज संसार में लोगों को आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। लोग चाहते हैं लोग खुश रहें,
जाते हैं, यीशु मसीह क्या जन्म आनंद के दिन है। हेलो हेलो, यीशु के नाम में आपका अशांति दूर हो जाए, यीशु के नाम में आपके अंदर से शोक दूर हो जाए, यीशु के नाम में ये परमेश्वर का वचन की सामर्थ्य आपका जीवन में कार्य करे, जहां आपका दिल में शांति नहीं आनंद नहीं, ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपके जीवन में आनंद का भरपूर लाए। हालेलुया, क्रिसमस का पगली संदेश बताइए, दूसरी संदेश आनंद, तीसरी संदेश लूका 2:14, आकाश में परमेश्वर की महिमा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य, पढ़ो, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। बोलो, आपको क्या चाहिए? चिकन चाहिए, शांति चाहिए, केक की चाहिए, शांति चाहिए, ताला चाहिए, क्या शांति चाहिए, ताली बजा कर बोलो मुझे शांति चाहिए। चंदा दे दो, शांत के लिए आया चंदा, चंदा 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 छोड़ो ना चंदा, आपको शांति चाहिए, आपको खुशी चाहिए, आपको आनंद चाहिए, वो ये क्रिसमस के समय बोलते हैं, बोलते बोलते आपको पैसा भी चाहिए, शांति है तो सब कुछ है, पैसा देकर आपको शांति खरीद नहीं सकता, अगर शांति है तो अपने आप पैसा आ जाए। हालेलुया हालेलुया, पाप गुना मनुष्य को परमेश्वर से दूर किया है, अलग किया है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर इंसान के रूप लेके हम रहकर जो मनुष्य परमेश्वर से दूर गया उस मनुष्य को परमेश्वर के साथ मेल कराया, उसको बोलते हैं सही शांति। आज इंसान के अंदर शांति इसलिए नहीं है क्योंकि इंसान परमेश्वर से दूर है। अगर मनुष्य परमेश्वर के पास वापस आ जाए शांति शुरू हो गई। जब तक शांति नहीं आनंद भी नहीं, सच्चा कि नहीं, हमें छोटा छोटा शब्द है लेकिन हम सोचते नहीं उसके बारे में, जब तक शांति नहीं आनंद भी नहीं। हालेलुया, किसको शांति है, क्या लिखा उधर ही, किसको शांति है, पढ़ो प्रभा पढ़ो, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में, पृथ्वी पर उस मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है, जिससे वो प्रसन्न है, मिलकर बोलो, जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। ये क्रिसमस का मैसेज है, शांति किसको मिलता है, बोलो, उसका मतलब अगर परमेश्वर का शांति आपको चाहिए, आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना होगा। हालेलुया, जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेगा तो परमेश्वर का शांति आएगा। अगर परमेश्वर का प्रसन्न होना है तो परमेश्वर का कुछ करना है, परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है। हेलो, आराम से बोलो, जब आप परमेश्वर का इच्छा पूरी करेंगे तो परमेश्वर हमें प्रसन्न होगा, तो परमेश्वर प्रसन्न होगा,
शांति इंजेक्शन करेंगे आपके अंदर। शांति दो, शांति दो, शांति दो, अगर शांति नहीं मिलेगा, अगर शांति मिलना हो पागल है, परमेश्वर को खुश करो, परमेश्वर का प्रसन्न करो, परमेश्वर का प्रसन्न करना हो, परमेश्वर को खुश करने वाला काम करो। मैं आपको पूछना चाहते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला क्या काम है? हेलो, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला क्या काम है? इधर देखो, इधर देखो, परमेश्वर को अंडा देना, लंगर की देना, चंदा डालना, हिम्मत है तो बताओ, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला क्या काम है? क्या करेगा तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। यूहन्ना का इंजील 6:29, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि, परमेश्वर का कार्य यह कि तुम उस पर जिसने उसे जिसने भेजा है विश्वास करो। पर दूसरे ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम वो ही है जिसको उन्होंने भेजा है उसका ऊपर विश्वास करें। कंप्यूटर में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम यही है, परमेश्वर जिसको भेजा है उसके ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर किसको भेजा है? यीशु मसीह को भेजा है। जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला और कोई काम नहीं है। हालेलुया। इसलिए फिलिपियों का पत्र 4:7 में लिखा है, ऐसे शांति परमेश्वर देंगे समझ से परे। यूहन्ना 14:27, जैसे संसार देते हैं वैसे नहीं है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता। हालेलुया। एफेसियों 2:14, यीशु मसीह ही शांति है। पढ़ो तुम एफेसियों 2:14, क्योंकि वही हमारा मेल, वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। मेल के जगह में शांति लिखा है, वो ही हमारा शांति है। कौन है? जोर से बोलो, कौन है हमारा, कौन है हमारा शांति? ध्यान से सुनिए, अगर यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता नहीं है, कभी भी आपको शांति नहीं मिल सकता। क्रिसमस का असली संदेश है ये, परमेश्वर जिसको भेजा है उसके ऊपर विश्वास करें, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, वही परमेश्वर का प्रसन्न करने वाला काम है। हालेलुया। क्रिसमस का 3 मैसेज मैंने बोला, नंबर 1 मत डरो, नंबर 2 आनंद, नंबर 3 बोलो शांति, नंबर 4 लुका का इंजील 2:30 31 पढ़ी, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को लिया है जिससे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। क्रिसमस का 4 संदेश, दूर से बोलो उद्धार, सल्वेशन। परमेश्वर मनुष्य के रूप में ये धरती में आया क्योंकि मनुष्य को नरक से बचाए, अनंत काल का मौत से बचाए, इसीलिए यीशु मसीह आया है। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए आया क्या करने के लिए? आपको मालूम है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था मंदिर में लेके गया यीशु मसीह को, वहां एक बुजुर्ग बैठा था, कौन है उनका नाम? शिमयोन।
वो बुजुर्ग ने यीशु मसीह को अपने हाथ में लेकर क्या कहा था? क्योंकि मेरी आंखों ने शिमयोन वाला मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। परमेश्वर को बोला मैंने तेरा उद्धार को देख लिया है। यीशु मसीह धरती में इसलिए आया है आपको उद्धार देने के लिए। तेरा उद्धार को मैंने आंखों से देखा है। क्रिसमस का रियल संदेश यही है, यीशु मसीह मनुष्य को दिया हुआ परमेश्वर का उद्धार। अगर आप उद्धार नहीं पाया, जो मर्जी सेलिब्रेट करो, क्रिसमस क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस क्रिसमस रहना हो, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमको दिया हुआ उद्धार को हमने कबूल करना है। हालेलुया। आपको मालूम है आज मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए हिंदी में दूसरी शब्द है मुक्ति। बोलो मुक्ति। आज मनुष्य मुक्ति के लिए क्या क्या करते हो, कहां कहां जाते हो? मुक्ति के लिए पहाड़ में जाते हैं, नहीं जाते? आदि गया होगा। मुक्ति के लिए गुहा में जाते हैं, गुहा में जाते हैं। मुक्ति के लिए कब्र में जाते नहीं? बोलता नहीं है, शर्मिंदा ना करो ना, बोलो जाते हैं। मुक्ति के लिए पुण्य जगह जगह पर घूमते हैं, लेकिन घूम फिर के आखिर यीशु मसीह के पास आएगा तभी मुक्ति मिलेगा। प्रभु इतने बैठा हुआ, आप लोग भी पगले ऐसे था, पगले कहीं तीर्थ यात्रा करते थे, नंगा पैर में करते थे, लाल झंडा लेके जाते थे, पीला झंडा लेके जाते थे, हरा झंडा लेके आते थे, आखिर क्रूस का झंडा के पास जब आया है तब आपको उद्धार मिला। हालेलुया। स्वर्ग से आया, एक बच्चे जन्म होंगे, मत्ती पहले का 21, एक बच्चे जन्म होंगे, उनका नाम यीशु रखना। पढ़ो, वह पुत्र जनेगी, एक पुत्र जनोगी, और तो उसका नाम यीशु रखना। उनका नाम क्या रखना? यीशु रखना। आगे, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आप ही जन्म होने के बाद नाम डालते हैं, है ना? आप किसी बच्चे का जन्म होने से पहले नाम क्यों नहीं डालते? आपको पता नहीं है मुंडा है या मुंडी? सभी लोग चाहते हैं मुंडा मिल जाए तो फिर याकूब रखेंगे, मुंडी है क्या तो फिर देखेंगे क्या करना है। लेकिन यीशु मसीह का जन्म ऐसे नहीं था। यीशु मसीह जन्म होने से पहले स्वर्ग से ऑर्डर आया है, उनका नाम यीशु रखना है, क्योंकि वो लोगों को उद्धार देना है। हालेलुया। नंबर 5, क्रिसमस का पांचवा मैसेज लुका 2 का 28-29, लुका के इंजिल दूसरी अध्याय 28 और 29। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया, शिमयोन यीशु मसीह को अपना गोद में लिया। अगर आगे, और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, धन्यवाद किया, आगे, हे स्वामी हे स्वामी, तू अपने दास को
अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। ओ, एक बुड्ढा ने कल जन्म हुआ बच्चों को बोला स्वामी नहीं समझा। शिमयोन बुड्ढा का बुड्ढा है लेकिन उनका हाथ में एक छोटा सा बच्चा रहता है, उनको देखो बोले स्वामी आगे मुझे भेज दो। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। मैं तेरे उद्धार को देखा, उसका 32 बड़ा बड़ा 32 कि मैं अन्य जाति को प्रकाश देने के लिए ज्योति, अन्य जाति को प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इसराइल की महिमा हो। उसका मतलब क्रिसमस आशा का किरण है, उम्मीद का किरण है। आज संसार नीचे जा रहे, गिरते जा रहे, निराशा में, भय में। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को देखकर सिमियोन कहते हैं, क्या बोलते बेटे? ये स्वामी 32 वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए, अन्य जातियों को प्रकाश देने आगे के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इसराइल की महिमा हो। एक एक शब्द में जाने के लिए समय नहीं है। अन्य जातियों के लिए प्रकाश देने के लिए, प्रकाश देने के लिए। उसका मतलब अन्य ज्योति कहाँ, अन्य जाति कहाँ बढ़ा है? अन्य जातियों के लिए प्रकाश, उसका मतलब अन्य जाति कहाँ है? बोलो चाहे ये और इससे अन्य जाति अंधेरा में है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए जन्म हुआ है, जहां अंधेरा है वहां ज्योति चमकता है। आपको अंधेरे के काम से ज्योति में लेकर आए। क्रिसमस आशा का संदेश है, उम्मीद का संदेश है। सुनिए, आप इधर बैठा, आपका सारे उम्मीद खत्म हो गया, आपका आशा निराशा में हो गया, आपका सारे कोशिश खत्म हो गया, आपका मन गिर चुका है, आपका जिंदगी बर्बाद हो चुका है, आपके अंदर डर छाया हुआ है। आज गुड न्यूज है, क्रिसमस आपके लिए आशा का किरण देते हैं, क्रिसमस आपके लिए आशा दिलाते हैं, क्रिसमस आपको एक नया उम्मीद पैदा करते हैं आपके जीवन में। हालेलुया। यस, यीशु मसीह सारे संसार के लिए उम्मीद की बातें हैं। आमेन। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं पलाना इंसान मुझे मदद करेगा, पलाना जगह मुझे मदद करेगा, पलाना पार्टी हमको मदद करेगा, पलाना पार्टी बोलेंगे आपको अच्छा दिन लेके आएगा, लेकिन अभी बुरा दिन शुरू हो गया है। लेकिन यीशु मसीह से लिए जन्म हुआ है आपको सचमुच अच्छा दिन दिलाने के लिए। वो धोखा नहीं देगा प्रभा, वो धोखा नहीं देगा। जब यीशु मसीह का जन्म, वो क्रिसमस आपके जीवन में एक नया आशा को आपके जीवन में पैदा करेगा। हर पार्टी से मनुष्य थक जाते हैं, हर मजहब से मनुष्य थक जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद कोई भी थकेगा नहीं। वो नाचेगा, वो पंडा डालेगा, क्योंकि मेरे जीवन में एक नया अर्थ आ गया है, मेरे अंदर खुशी आया है, मुझे मुक्ति मिला है, मुझे आनंद मिला है, मेरे जीवन में नया आशा मिला है। मैं कभी कभी कल रात भी मैंने प्रभु को बोला, मैं कौन बनना था, कौन बन गया, शायद मैं सड़क में घूमने वाला हूं, शायद मैं पागल खाना में रहना, चाहे मैं जेल के अंदर रहना,
यीशु मसीह मेरे अंदर जन्म होने से परमेश्वर मुझे लोगों का प्रभु बना जो हाथी बजा के प्रभु के जन्म करे चाहे आपका जिंदगी कितना भी बिगड़ा हो यीशु मसीह आपको एक नया जिंदगी का वायदा देते हैं जो लोग मसीह में हैं उनको जरूर उम्मीद बढ़ना चाहिए ये उम्मीद नहीं है जरूर हमको चिकन करी मिलेगा नहीं नहीं आपके जिंदगी बदलने वाला है आपका परिवार बदलने वाला है आपका बच्चा बदलने वाला है आपका हालत बदलने वाला है आपका स्थिति बदलने वाला है आपका आर्थिक क्षेत्र बदलने बात मैंने बोला यीशु के नाम है आपका हर एक जीवन में मैं रिलीज करता हूं आपका परिवार में मैं रिलीज करता हूं आपका बच्चों का जीवन में मैं रिलीज करता हूं ये वचन संपूर्ण रिलीज है आपका जीवन में आशीष का कारण बन जाए हालेलुया एक और बात बोल के समाप्त कर रहा क्रिसमस एक नया युग शुरू हो जाते हैं युग एक नया युग आपको मालूम है मत्ती के इंजिल पहले अध्याय में यीशु मसीह का जन्म उसके पीछे कौन सा अध्याय मलाकी मलाकी के बाद पुराना नियम कदम मत्ती शुरू इसका बीच में कितना साल है पता है 400 साल वेद ज्ञानी लोग बोलते हैं ये 400 साल पीरियड ऑफ डार्कनेस अंधकार का युग कहते हैं हालेलुया अंधकार का युग कहते हैं हेलो कितना साल अंधकार का युग रहेगा 400 साल लेकिन यीशु मसीह का जन्म फर्स्ट क्रिसमस के साथ अंधेरा का युग खत्म हो गया ज्योति का युग स्टार्ट हो गया शुरू हो गया रिसीव करो आज तक अगर आपके जीवन में अंधेरा का अनुभव आपके जीवन में अंधेरा छाया है क्रिसमस आपके जीवन में एक नया युग एक नया पीढ़ी आपके जीवन में शुरू होता है यीशु मसीह के जन्म के साथ अंधेरा का युग का कर्तन गिरा कर बस अंधेरे में कदम हो गया है एक ज्योति के युग शुरू कर 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 और हाथ बढ़ा कर परमेश्वर का धन्यवाद करें हाथ बढ़ा कर परमेश्वर का धन्यवाद करें क्रिसमस का संदेश है नया युग नया युग नया युग उसको इतिहास बोलते हैं इस नया युग का नाम है एडी जब यीशु मसीह एक व्यक्ति के अंदर जन्म होते हैं अंधेरा का युग खत्म हो जाता है एक नया युग शुरू हो जाते हैं मैं क्या करूं किधर जाऊं कोई दिखाई नहीं देते अंधेरा ही अंधेरा जिंदगी बर्बाद कहां रहूं कहां जगाए कहां जाऊं कुछ नहीं पता चलता है ये अंधेरा लेकिन अगले क्रिसमस आपको एक नया दिशा देते हैं आपको नया रास्ता देते हैं आपके जीवन में एक नया संदेश देते हैं अंधेरा में
अंधेरा में आनंद नहीं, अंधेरा में शांति नहीं, अंधेरा में गुलामी, लेकिन ज्योति का युग शुरू होने से पूरा जिंदगी बदल जाए। हेलो, यीशु मसीह का जन्म गौशाला में नहीं होना चाहिए। हमारा राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने बोला सही क्रिसमस हुई है, इंसान के दिल में यीशु मसीह जन्म हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म गौशाला में नहीं, आपका दिल के अंदर आ रहा है। यीशु मसीह कहां जन्म हुआ था? किधर था? किधर था? यहूदिया में, बेतलहम में। अगर बेतलहम में यीशु मसीह दोबारा हजार बार फिर जन्म हो जाए, अगर आपका दिल में नहीं जन्म होता है कोई फायदा नहीं है। इसलिए बेतलहम में हजार बार यीशु मसीह जन्म होने से एक बार आपका दिल में जन्म हो गया, यही है सच्चा क्रिश्चियन। मैं क्या बोला? यस, सही क्रिसमस का खुशी जब यीशु मसीह हमारा अंदर जन्म, तभी रियल क्रिसमस का एंजॉयमेंट मिल जाता है। रियल क्रिसमस की खुशी तब हमको मिल जाते हैं। कितना संदेश मैंने आपको बोला? सिक्स। क्रिसमस का पहले संदेश जोर से बोलना, नंबर टू आनंद, नंबर थ्री शांति, नंबर फोर उदार, नंबर फाइव आशा, नंबर सिक्स नया युग। जोरदार ताली बजाकर दूसरे को हालेलुया, हालेलुया। मेरा आपके लिए यही क्रिसमस का संदेश है। एक दिन एडवांस मैं आपको दे रहा हूं, यीशु के नाम है। मैं छह पॉइंट आपको बोला, मैं आपका पास्टर होते हुए आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार में, आपके जिंदगी क्या हर एक क्षेत्र में ये क्रिसमस का रियल अनुभव यीशु के नाम है आपका जीवन में शुरू हो जाए। आइए सब लोग खड़ा हो जाए।